मुंबई के एक ग्रैंड होटल में अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल खन्ना की किताब का लॉन्च था। इस मौके पर बी टाउन के एक से बढ़कर एक सितारे आए हुए थे, जिनमें डायरेक्टर आर बाल्की, होमी अडजानिया, सोनाली बेंद्रे, शबाना आजमी, अभिनेता रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, करण जौहर, डिंपल कपाड़िया, अक्षय के बेटे आरव, साथ ही साथ अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना भी मौजूद थीं। बुक लॉन्च के दौरान सबसे पहले करण जौहर ने कुछ बातें ट्विंकल खन्ना से की। उसके बाद आलिया भट्ट ने सबसे पहले किताब के एक हिस्से को पढ़ा। फिर शबाना आजमी ने भी कुछ हिस्से अपने अंदाज में पढ़कर सुनाए। इन सभी बातों के बाद वहां मौजूद लोगों ने तस्वीरें खिंचाई। ट्विंकल ने इस किताब के बारे में अपनी बात मीडिया तक पहुंचाई। वेल, ट्विंकल खन्ना अपनी किताब और अपने बेबाक अंदाज के लिए मानी जाती हैं। देखना यह खास होगा कि कॉलम और बुक के बाद क्या वो फिल्मों में एक बार फिर से वापसी करेंगी। विल वेट एंड वॉच।